हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे होटल में कढ़ाई पनीर कैसे बनती है। तो हमने एक प्याज काटा है और ये जो है शिमला मिर्च हम काट रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम सीखते हैं क्या क्या डाल रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये जो हमने रिफाइंड ऑयल डाला है एक बड़ी कड़छी आप कह सकते हैं, और ये है ग्रेवी किंग ढाबा, और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। देखते हैं ये क्या क्या मसाले डालेंगे, इन्हीं आज में करना होता है। और ये जो है सादा नमक डाल रहे हैं, और ये लाल नमक, धनिया पाउडर एक चम्मच, थोड़ा सा एक चुटकी भर ये क्या कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स ये था, आपने जैसे देखा होगा पहले हमने नमक डाला है, फिर लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी। और यहाँ पर जो है हमारा ये तैयार हो रहा है, और अब जो है फ्रेंड्स जो हमने चॉप किए हुए शिमला मिर्च डाला है, आधा आधा जो है चॉप किए हुए प्याज डाले हैं। तो बहुत ही आसानी से आप भी बना सकते हैं घर में। और ये जो है गार्लिक पेस्ट है, यानी कि आप इसमें क्या क्या डालता भाई साहब, टमाटर, प्याज और टमाटर डाला हुआ है इन्होंने। तो ये आप ये बना सकते हैं खुद, नहीं तो मैगी मैजिक मसाला या मैजिक का जो पेस्ट आता है आजकल, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप ये क्या डाल रहे हो, पनीर। तो फ्रेंड्स ये हमने पनीर डाल रहे हैं यहाँ से, तो आप स्लाइस भी आप कह सकते हैं। और ये जो है हमारी ग्रेवी डाल रहे हैं, तो एक कड़छी बड़ी जो है ग्रेवी डाली है, और 100 ग्राम पनीर के स्लाइसेस डाले हैं, और ये लाल रंग है, तो लाल रंग आप डाल सकते हैं। देखिए मिर्ची का पेस्ट कहते हैं ये। तो आज ये थोड़े जल्दी में बना रहे हैं, तो अब जो है हम इसको पकाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा भाई साहब बनने में? 5 मिनट लग जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ग्रेवी किंग ढाबा मिराज सिनेमा के बिल्कुल पास जो है इनकी सेकेंड ब्रांच खड़ी है। तो आप यहाँ पर जो है कई प्रकार की रेसिपी खा सकते हैं, और जो हम इसको पका रहे हैं। इसमें और कोई मसाला डालना बाकी है वो आप एक बात बताऊंगा, तो ये टेस्ट करके बताएंगे। थोड़ा बहुत नमक या मिर्च या गर्म मसाला कई बार कम रह जाता है, तो मोस्टली जल का है। और पैक करते वक्त जो है हरा धनिया या कस्तूरी मेथी ये डालते हैं। तो ये कस्तूरी मेथी, ये धनिया है क्या? तो ये चॉप किया हुआ धनिया डाल रहे हैं। और अब जो है ये देखिए फ्रेंड, ये अमूल क्रीम डाला है इन्होंने, तो थोड़ा जल्दी में है इस वक्त। तो ये हम इसको पका रहे हैं, और मेबी 2 या 3 मिनट में हमारा जो है ये कढ़ाई पनीर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड ये हमारा तैयार होने वाला है। तो ये चर्च कह सकते हैं, आप ऑर्डर दे रहे हो मतलब आप यहाँ आओगे ऑर्डर देने के बाद? पकने वाला है, और ठीक है, इस तरीके से आप जो है घर में आसानी से कढ़ाई पनीर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है ये टेस्ट करेंगे कि भाई स्वाद कैसा है। स्वाद बढ़िया है तो ठीक, नहीं तो कुछ नमक मसाले ये डालेंगे, जैसे ये
गरम मसाला थोड़ा सा कम लगा इनको, थोड़ा नमक भी कम लग रहा है इनको, और ये जो है थोड़ा बहुत इन्होंने ये कौन सा मसाला डाला, लाल चीनी, थोड़ी सी चीनी डाली है उसकी पर स्वाद को करने के लिए। और ये हमारा कढ़ाई पनीर तैयार हो गया, जस्ट अब हम इसको पैक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम इसको पैक करें, हाफ प्लेट जो है आपको 100 रुपए की पड़ेगी, फुल प्लेट लोगे तो 150 रुपए की पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने मतलब गुलाब सिंह चौक पे हमारी ग्रेवी किंग एंड खाना खजाना की एक ब्रांच है, जो उसके बाद हमने एक नई ब्रांच खोली है ग्रेवी किंग ढाबा, जो कि हमारा मिराज सिनेमा जो नया जो खुला है रेड स्कूल मार्केट में, उसके साथ में हमारा पालकी होटल है, उसके साथ में हमारी ब्रांच है। यहाँ पे हमने तंदूरी चाय प्लस में हॉट डॉग बर्गर और सैंडविच और हमारा खाना जो कि फेमस है हिसार में, वो लेके आए हैं आपकी सेवा में। आप तंदूरी चाय का और जायका जरूर लें यहाँ पे आके, ये हमारी विनती आप लोगों से। तो ये है ग्रेवी किंग ढाबा मिराज सिनेमा के बिल्कुल साथ वाली गली, इस वीडियो को जरूर लाइक। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।